खूबी कुल मिलाकर आ चुके हैं फेसबुक की एक और वीडियो में। और भाई इस वाली वीडियो में क्या ही तबाही होने वाली है। फिलहाल तुम ये देखोगे कि स्टार्टिंग में कैसे सरवाइव कर सकते हो। मैं सोलो हूँ, मेरे साथ में अभी आप लोगों ने देखा कि जस्ट लेफ्ट में दो टीम को दिए। अब देखो सबसे पहले आप लोगों को गन तो चाहिए होगी। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे शॉर्ट गन मिल जाती है, अब शॉर्ट गन लेने के बाद मैं ये सोच रहा था कि रश के दर की तरफ आऊँ, लेकिन बात ये थी कि अगर बंदों के पास होगी गन और मैं शॉर्ट गन से मतलब हो सकता है कि एक बार को यहाँ पे मर जाऊँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैं पीछे आया। अब जैसे ही पीछे आया सबसे पहले तो मेरे को ये बॉट दिखाई दिया, मैंने यहाँ पे इसे नॉक किया। अब देखो बॉट को यहाँ पे मारने का केवल एक ही मकसद है कि इसको मार के इसकी जो लूट है वो मैं ले सकूँ। लेकिन मैं ऊपर आया, गन को मैंने रिलोड किया, लेकिन जैसे मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ तो मेरे को बंदों की आवाज़ तो आती है आसपास, लेकिन ये देखो तुम क्या हुआ, जैसे मैंने एंगल पीछे किया भाई मुंह पे बंदा। फिलहाल देखो अब यहाँ पे मेरे को गन मिल जाती है इस बंदे से, और हाँ भाई अब हम यहाँ पर रश कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आगे आता हूँ, और पहले भाई साहब ये मेरे को दो बॉट दिखाई दिए, पहले बॉटों को यहीं पे नॉक करके छोड़ दे क्योंकि मैं अपने जो एमओ है वो वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं जैसे ही आगे आया तो मेरे को साउंड आ रहा था कि इस घर में कोई बंदा है। मैंने गैंड की पिन खींची, इसे फेंका, मगर भाई कोई नहीं मरा। फाइनली अब रश तो करना ही है क्योंकि बंदा है तो भाई रश करना है। फिलहाल मैं आगे बढ़ा, फ्री फायर, भाई पहला शॉट तो अनलकीली खाली चला गया लेकिन दूसरा भरा गया। जैसे इस बंदे को मारा, सामने देखो विंडो में राइट साइड में बंदे भाई पीक करके देख रहे हैं, मतलब उन्हें पता है कि मैं यहां पर हूं, इसलिए मैं नीचे आया। और अब देखो तुम ये खतरनाक क्लच, दो बंदे लॉक किए। अगर ये क्लच आप लोगों को अच्छा लगे ना तो मतलब मेरे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करना, एंड जिन लोगों ने फॉलो भी नहीं किया फॉलो भी करना। अब भाई ये बंदे ने प्री फायर दिया, एंड फाइनली तीसरा बंदा भी लॉक। अब देखो केवल एक ही बंदा बचा जो कि सामने वाले घर में है। अब वो मेरे को दिखाई दे गया जो कि अभी भी राइट में गया। मैं इधर आया, मैंने देखा कि वो बाहर आए कि नहीं, लेकिन बाहर भी नहीं आया। फिर मैं अंदर गया, एंड भाई साहब इसी के साथ में ये खतरनाक क्लच, मतलब आप लोग कैसा लगा, मतलब सही में हिट दैट वो लाइक वाला बटन। फिलहाल भाई देखो अभी पहुंचेंगे, बहुत सारी टीम थी तो सबसे पहले मैं इधर की तरफ आता हूँ क्योंकि इधर ना मेरे को बंदों के गन फाइट के साउंड आ रहे थे। और सबसे पहले देखो यहाँ पर ए के एम लेनी तो जरूरी थी, मैंने ए के उठाई, मैं छत पर चढ़ा, यहां पर मुझे एक बंदा दिखाई दिया और यहां मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैंने इस बंदे को नॉक करने के बाद में पूरा नहीं मारा, मतलब मैं थोड़ा हल्के में ले गया था। फिलहाल देखो मैं यहां से आगे बढ़ता हूं क्योंकि यहां पर मैंने एक बंदे को नॉक किया इसलिए रश तो बनता है। जैसे यहां पर आया सबसे पहले मेरे को यह बंदा दिखाई दिया। अब मेरे हिसाब से शायद यह कोई बॉट था इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूं। फिलहाल मैंने यहां पर मौली की। अब मैं तुम्हें सही बताऊं ना तो ये बंदे नीचे आने का नाम नहीं ले रहे थे और ऊपर से बहुत ही गंदा टीपी भी लेके बैठे थे, इसलिए यार इस तरीके से ना कभी भी रश नहीं करना चाहिए। जब तक कि तुम एक आध बंदे को नॉक करना कर दो ग्रेनेड करके या कैसे भी, तो मैं यहां आया एक दूसरे एंगल के लिए। बंदा मेरे को दिखा लेकिन भाई वो बाहर नहीं आ रहा था, शायद उसे पता था कि मैं छत पर हूं, मैं उसका इंतजार करता था, तभी पीछे शायद बॉट या एक बंदा आया। अब इस बॉट को तो मैंने मार दिया लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस बंदे को अब पता चल चुका कि हाँ भाई साहब मैं छत पे, इसलिए मैंने दोबारा एंगल चेंज किया और मैं यहाँ की तरफ आया। पर सही बताऊं तो यार यहाँ उसे मेरा हेड शायद दिखाई दे जाता है। ये देखो मैं यहाँ से आगे बढ़ा, मैं सामने वाली छत पर आया और अब तक शायद ना वो बंदा मेरे को स्पॉट कर चुका था। भाई एक बहुत ही प्यारा सा ग्रेनेड। तो फिलहाल